नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए मतलब 24 अप्रैल 2020 के मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए। इसमें मैंने निफ्टी का चार्ट, प्रोबेबिलिटी और ऑप्शन चेन एनालिसिस करूँगा और कुछ बाय सेल लेवल देखे और 360 डिग्री एनालिसिस करके मैंने कोशिश करूंगा कि निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करूंगा। तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पर मिल जाएगा। और मैंने बाय सेल लेवल्स ऑफ इक्विटी, कमोडिटी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फ्यूचर्स का लेवल्स देता हूँ। बाय सेल लेवल्स, बहुत सारा बाय सेल लेवल्स दिखाता हूँ। 100 डे एम स्ट्रेटेजी, कैंडलस्टिक पैटर्न, इनसाइड द वॉर, ये भी दिखाता हूँ। तो वो भी आप लोग को रोज फ्री में मिल जाएगा। उसमें आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल होगा नेक्स्ट डे ट्रेड करने के लिए। और इसके अलावा बहुत सारा चार्ट का सेटअप्स है, स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है, जो कि आप लोग को स्टॉक मार्केट में काम करने बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो ये वीडियो इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों का इसका फ़ायदा उठा सकता है। और मैंने जो बाय सेल लेवल कम स्किनर बनाया, इसमें क्या क्या है और कैसे इसको स्क्रीनिंग करना है, तो इसका भी आप लोग को वीडियो आप लोग देख लीजिए ताकि आप लोग को पता चल जाएगा इसमें कैसे ट्रेड करना है और इसमें क्या क्या है और आप लोग इसको अडेप्ट करके कैसे फ़ायदा ले सकता है। मैंने जो लोग मेरा कॉल सर्विस लेंगे तो इसका वीडियो मैंने पूरा दिखा, ये बाय सेल लेवल मैंने पूरा दे दूंगा। तो इसमें लाइव मार्केट में आप टाइम टू टाइम अपडेट भी कर दूंगा और मेरा भी गाइडेंस रहेगा कि कौन सा लेवल आप लोग किसी भी सेगमेंट में ट्रेड ले सकता है। सोच लीजिए अभी ना, अभी तो कुछ कमोडिटी का नहीं है। एनीवे तो कल का जो मतलब आप लोग का गाइडेंस भी रहेगा कि इसमें कैसे ट्रेड करना है। आप लोग को किसी भी सेगमेंट में, आप लोग का चॉइस का किसी भी सेगमेंट में आप लोग ट्रेड करना चाहते हैं तो आप लोग को बाय सेल लेवल दे दिया जाएगा और टाइम टू टाइम अपडेट भी किया जाएगा। तो और आप लोग को व्हाट्सएप में गाइडेंस भी दे दिया जाएगा कि इस लेवल पर आप लोग एंट्री लीजिए, तो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग को स्टॉक मार्केट में रेगुलर प्रॉफिट आ जाएगा। तो और इसमें आपके हाई एक्यूरेसी है, इसमें आप लोग खुद चेक कर सकते हैं। मैंने बहुत दिन से बाय सेल लेवल डालता हूँ वीडियो उस डेट का जो आप लोग किसी भी डे कोई एक मास का, वन मंथ का पहले का से आप लोग चेक कर सकता है कि हर एक दिन का बाय सेल लेवल का वीडियो देखिए कौन सा बाय सेल लेवल दिया हुआ है। और नेक्स्ट डे में आप लोग चार्ट में आप लोग को चार्ट के सामने दिखाई देगा उस स्टॉक्स का, निफ्टी बैंक निफ्टी का आप लोग को सामने दिखाएगा। आप लोग चेक कर सकता है इतना कि आप लोग इसका एक्यूरेसी चेक कर सकता है। और जो लोग मेरा मैंने जो बाय सेल लेवल्स कम बनाता हूँ और जो मेरा चार्ट का सेटअप्स है वो मैंने मेरा ट्रेनिंग से ट्रेनिंग में दिया ट्रेनिंग में रखा हूँ। आप लोग ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, वन टाइम ट्रेनिंग बहुत ही कम कॉस्ट में आप लोग को बहुत कुछ सीखा जाएगा जो आप लोग को दूसरी किसी जगह से सीखने के लिए 50,000 से 1,00,000 खर्चा करना पड़ेगा। तो वो भी आप लोग ट्रेनिंग शेड्यूल आप लोग इस टाइम में लॉकअप का टाइम में आप लोग इसका फुल फ़ायदा उठाइए और इसका ट्रेनिंग को ले लीजिए। तो देखिए इसमें क्या क्या ट्रेनिंग में दिया जाएगा, ये टेक्निकल एनालिसिस एंड चार्ट सेटअप्स एंड इंडिकेटर्स, ऐसे ही आप लोग को मेरा स्ट्रैटेजी, बहुत सारा स्ट्रैटेजी मिल जाएगा। लेकिन जो मैंने इसमें ट्रेनिंग में सिखाऊंगा वो बहुत ही स्ट्रांग होगा और बहुत ही उसका एक्यूरेसी भी बहुत ही हाई होगा और ट्रेड करना भी बहुत ही आसान हो जाएगा। यूज ऑफ फिबोनाची एंड गान टूल्स, कैलकुलेशन ऑफ वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी बेस्ड गान, फिबोनाची एंड मोस्ट प्रोबेबल, बाय सेल लेवल्स कैलकुलेशन, ऑप्शन चेन, ऑप्शन स्ट्रेन स्ट्रैटेजी, इतना कॉस्ट में आप लोग को इतना सारा मिल जाएगा। आप लोग भी मार्केट में चेक कर सकता है। आप लोग को लगता है कि ये इतना कम कॉस्ट में कैसे मिलेगा, लेकिन इसका मैंने इसमें कॉस्ट कम रखा है क्योंकि मैंने भी खुद ट्रेडर हूँ और बहुत मेहनत करके ये सब सीखा हूँ। तो इसमें आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कम कॉस्ट में, बहुत सारे लोग इसका बहुत ही हाई कॉस्ट में इसको ट्रेनिंग दे रहा है या सॉफ्टवेयर बना के रखा है और तब भी इसका इतना एक्यूरेसी में नहीं मिलेगा, इतना सारा चीज़ भी नहीं मिलेगा। मैंने जो देखूंगा मेरा जो यूनिकनेस है कुछ मैंने खुद डेवलप किया हूँ
और बहुत सारा चीज़ आप लोग को दिखाया, और आप लोग मेरा जो गान पावर ऑफ गाने एंगल्स गान मूविंग है जो सब वीडियोस देख लीजिए, तो इसमें पूरा साइकिल में ये एक्चुअली ये चलता है। आप लोग का तो सिस्टम रह सकता है, लेकिन ये इसका जो सिस्टम है आप लोग को लेने से आप लोग को काम बहुत ही आसान हो जाएगा। आप लोग टेस्ट कर सकता है, ये कॉस्ट बहुत ही नॉमिनल है, आप लोग एक बार ट्रेनिंग लेके देख सकता है, उसके बाद आप लोग को दिखाई जाएगा। आप लोग मेरा बहुत दिन का लाइव डेमो देखिए और वाइसल लेवल कंपेयर कीजिए, उसके बाद आप लोग ट्रेनिंग लीजिए, तो आप लोग को ऐसे ही आप लोग को लग जाएगा कि हाँ ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है। तो ठीक है, तो आज का मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट का एनालिसिस करूँगा। देखिए मैंने बैंक निफ्टी इसमें लगातार 3 दिन से ये हायर हाई और हायर लोस बनाता है। ये देखिए ये बुली बियरिश कैंडल था, लेकिन इसका जो पहले इसका जो ऊपर ऊपर गया था उसके बाद ये नीचे गिरा था। मैंने जो बोला था कि इसमें जो इलियट वेव में दो पाँचों 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 वेव में ऊपर गया था, उसके बाद करेक्शन वेव आया था 12,430 से 7,511 तक, तो धीरे धीरे गिरा है। उसके बाद फिर से इसका एक वेव भी चल रहा है, ये करेक्शन वेव आएगा उस ये 10,500 या 10,600 तक जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उतना ही देर तक जाएगा, इसमें लेवल्स है 9,300 का लेवल्स, 9,500, 9,900, 9,700, सॉरी 9,700, 9,900, उसके बाद 10,500 तक ये जा सकता है। तो उसके बाद जितना सा गिरा था उतना ही परसेंटेज गिरने का चांस है, मतलब 4,000 10,000 12,430 से 7,911 तक जितना सा गिरा है उतना ही गिरने का चांसेस है। और इसमें भी एक शॉर्ट बड़ा साइकिल का भी अंदर एक शॉर्ट साइकिल चल रहा है, आप लोग भी खुद चेक करके देख सकता है। हाँ यही साइकिल पे मार्केट चल रहा है, तो इसमें भी आप लोग को मेरा जो ट्रेनिंग शेड्यूल है जो कैलकुलेशन है उसमें भी आप लोग नोटिस कर सकते हैं। आप लोग मानिए या ना मानिए, इसमें ही सही साइकिल में भी स्टॉक या ऑल ओवर द यूनिवर्स इसमें ही साइकिल में चलता है। एनीवे तो आप लोग भी और भी वीडियोस इसके ऊपर देख सकता है। तो इसमें देखिए इधर से जो वेव है एक वेव वन बना था, उसके बाद ये वेव बी है, छोटा छोटा साइकिल मतलब एक शॉर्ट साइकिल चल रहा है बड़ा साइकिल के अंदर। ये वेव बी वेव टू है, ये वेव थ्री है, ठीक है। इसके बाद इसका वेव फोर आया था नीचे, इसके बाद ये वेव फाइव जाएगा, ठीक है। इसका थोड़ा सा ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। इसमें इसका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोग को दिखाएगा, कान एंगल कैलकुलेशन करके भी आप लोग को दिखाऊंगा। ये देखिए इधर 9,390 जब इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल आएगा, 9,390 9,390 के ऊपर ये जा सकता है, इधर जो क्रॉस किया है इसके ऊपर। और आप लोग इधर देख सकता है ये जो चैनल है ये अप ट्रेंड में दिखाई रहा है दे रहा है, ये सब इंडिकेटर्स थोड़ा सा अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। और जो लॉन्ग टर्म का इंडिकेटर है वो भी धीरे धीरे थोड़ा सा इसके ऊपर भी जाने का कोशिश कर रहा है। 9,390 के ऊपर जाएगा तो ये इसका भी क्रॉस कर जाएगा, तो इसके बाद इसका लेवल आएगा 9,900 का लेवल आने का प्रॉबिलिटी है। 9,900 का लेवल जब इसका क्रॉस करेगा तो इसका 9,900 का लेवल क्रॉस करने के बाद 10,169 आ सकता है। और इधर इसके बाद 10,000 का ये कितना दिख रहा है, 10,552 आ सकता है, ठीक है। 10,552 ये दिख रहा है, 10,552 के ऊपर जाएगा तो मतलब ये 11,273 मतलब इसका बुलिश ट्रेंड आ जाएगा, मतलब वो सीक्वेंस नहीं काम किया और सीक्वेंस फेल हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा, मतलब बुल ट्रेंड में अप ट्रेंड में चला जाएगा, फिर से वो अप ट्रेंड में चला जाएगा। देखते हैं ये कैसा हो सकता है। आप लोग भी मार्केट में ऑब्जर्व कर रहा है और कुछ फंडामेंटल रीजन्स भी है क्यों नीचे आएगा और क्यों ऊपर, जहाँ भी मार्केट क्यों ऊपर जा रहा है ये सब मैंने डिस्कस किया हूँ। तो जो कोविड वायरस का जो स्टैटिस्टिक्स आ रहा है और इसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो रहा है, तो अभी जो कुछ मार्केट में कुछ स्टिमुलस दिया गया है, RBI कुछ इंटरेस्ट रेट कमाया है, और इसके बाद थोड़ा थोड़ा सा छोटा छोटा सेक्टर को अब मतलब छोटा छोटा सेक्टर कुछ ओपन हो रहा है, और कुछ जगह में मतलब कोविड वायरस कंट्रोल में आ जाएगा आ जा रहा है, और कुछ जगह और भी कुछ बढ़ रहा है। तो इसी की वजह से मार्केट इसी के ऊपर इम्पैक्ट कर थोड़ा सा चल रहा है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो फंडामेंटल रीजन्स है आप लोग को देखिए, इसमें जो इकोनॉमी के ऊपर जो इम्पैक्ट आएगा
तो प्रोडक्शन चालू होते होते बहुत ही देर लग जाएगा, नॉर्मल कैपेसिटी में आ जाते आ जाए तो इसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आएगा, इसी के वजह से जीडीपी ग्रोथ भी नीचे आ रहा है और वर्ल्ड इकोनॉमी का भी जीडीपी जो ग्रोथ है उसका वो भी नीचे आ रहा है। तो इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत ही लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को बहुत ही अच्छा नहीं होगा। तो इसमें इसीलिए इसका मार्केट लॉन्ग टर्म में नीचे जाने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो ये गया है और इसमें आप लोग लॉन्ग टर्म का कुछ जो लेवल्स है वो भी आप लोग को दिखा देता हूँ। लॉन्ग टर्म का जो लेवल्स बनता है ये देखिए 8563 में इसका सपोर्ट है, ये भी 9993 इसका मतलब जो लॉन्ग टर्म का जो है ये भी 9390 का लेवल दिखा रहा है। उसके बाद इसका जो लेवल बनता है कुछ थोड़ा सा दिखाई दे रहा है इसमें देखता है का लेवल देखता है का लेवल देखता है का लेवल देखता है का लेवल देखता है ठीक है। उसके बाद इसका 9620 ऐसे ही होगा, मतलब 10,500 या 600, उसके बाद उसके ऊपर जाना इसका मुश्किल है होगा। और नीचे का जो लेवल्स है नीचे इसका जो आने का चांस है 8500 का लेवल अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। उसके बाद 8563 उसके बाद ये इसका जो 7500 मतलब 8200 उसके बाद 8000 का लेवल उसके बाद 7500 का 11 का लेवल तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसका 6100 का लेवल उसके बाद 5470 उसके बाद 4470 ये इस लेवल तक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है। एनीवे इसके बाद मैंने बैंक निफ्टी का दिखाऊंगा। हर रोज एक ही बात बोलता हूँ, आप लोग भी मेरा पिछले बार वीडियोस जरा प्लीज़ फॉलो कीजिए तो इसमें आप लोग को पता चल जाएगा। हर रोज मैंने एक ही तरीक़े से एक ही जगह से मैंने एक्सप्लेन करता हूँ, मतलब एनालिसिस कर देता हूँ। तो और मेरा को काम का जो है तो इसे के सपोर्ट रेजिस्टेंस बताना, एक्चुअली इतना सारा एक्सप्लेन करने से बहुत ही टाइम जाता है। मैंने पिछले वाला वीडियोस देखिए तो इसमें आप लोग को एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा क्या लॉन्ग टर्म में या नियर शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है। मैंने ऑप्शन चेन एनालिसिस और जो बाय सेल लेवल मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस है और दिखा देता, देखिए इधर से ये ट्रेंड है थोड़ा सा अप ट्रेंड दिखा रहा है अभी ठीक है। बैंक निफ्टी का जो लेवल्स है इसके लिए इसका थोड़ा सा लेवल्स ड्रॉ कर लेता हूँ, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों का लेवल्स। इसको भी मतलब एक्सटेंड करना पड़ता है, इसका भी जो ट्रेंड इसका जो फिबोनाची का जो लेवल्स है इसका भी थोड़ा सा सब आप लोग को सीखा ही जाएगा। ट्रेनिंग आप लोग ट्रेनिंग शेड्यूल लेंगे तो इसका भी थोड़ा सा शॉर्ट टर्म का जो अप ट्रेंड आया है इसका भी थोड़ा सा एक ड्रॉ कर लेता हूँ। थोड़ा सा मतलब क्लमजी हो जा रहा है, हाँ इसका हटा देता हूँ ठीक है। तो इसमें इधर ही लेवल आप लोग को मैं दिखा देता हूँ क्या क्या लेवल आ सकता है। तो देखिए इधर ये तो 20,267 के ऊपर इसका 20,267 के ऊपर इसका क्लोजिंग दिया है। तो इसका लेवल आएगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा 20,428 में ठीक है। इसके बाद 20,825 इसके बाद 20,825 के बाद जो लेवल आएगा तो वो है देखना पड़ेगा 20,000 इधर से थोड़ा सा ये क्या लेवल देखा 20,179 24,552 उसके बाद ये 25,595 ठीक है 24,595 और इसके बाद 28,242 ठीक है। ये लॉन्ग टर्म का लेवल है, शॉर्ट टर्म में इसका तो लेवल मैंने इधर जो 20,428 उसके बाद ये 22,179 इसके बाद 23,659 उसके बाद 24,276 और
26,000 से 26,553 ऐसा लेवल में जा सकता है, और नीचे का जो लेवल्स है वो लेवल्स में ये 20,000 कितना दिखा रहा है, ये थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। 20,059 का लेवल है, 19,784, उसके बाद 19,516, उसके बाद 19,141, 18,872, 18,497, 18,497, 18,497, उसके बाद 16,000 तक आ सकता है, ठीक है, इसके बाद 16,000 तक आ सकता है। बाद मैंने निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट एक बार देख लेना चाहता हूँ, निफ्टी और निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट एक बार देख लेना चाहता हूँ। इसके बाद देखिए जो फ्यूचर्स का जो लेवल्स है, फ्यूचर्स का जो लेवल्स दिख रहा है इधर इधर देखिए, इधर नेक्स्ट का इसका लेवल आएगा 9,380 का, मतलब वही 390 का जो लेवल है, उसके बाद 9,500 9,700 का जा सकता है, और नीचे का जो लेवल्स है उसके बाद इसका जो लेवल्स है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 9,148 का, उसके बाद ये आ सकता है 9,113 109,000 का, नीचे 9,000 9,093, उसके बाद 9,000 का लेवल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 9,000 का लेवल में नीचे जाएगा तो नीचे जा सकता है। तो इसका गया है निफ्टी फ्यूचर्स का, बैंक निफ्टी पे देखते हैं, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का लेवल्स में इसमें 20,205 20,376, उसके बाद ये ऊपर का लेवल जा सकता है, नीचे इसका 19,505 19,284 ये सब लेवल पे ये आ सकता है, 20,279 इसमें लेवल पे आ सकता है। इसका ऑप्शन चेन एनालिसिस करके एक बार देखता हूँ, ऑप्शन चेन में 30 अप्रैल, ठीक है, तो ऑप्शन चेन में इसका जो कुछ 1.30 PCR रेशियो था, ठीक है, 1.30 PCR रेशियो है, 1.30, 9,500 में इसका रेजिस्टेंस बना है, कॉल साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट, और पुट साइड में 9,000 में बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट बना है, ठीक है, 9,000 में बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट बना है, इधर इधर शॉर्टिंग हो रहा है, और इधर जो शॉर्टिंग जो इनका ज़्यादा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, 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 कॉल है, कॉल है, कॉल है, कॉल का इधर इधर इधर, लेकिन कॉल शॉर्टिंग, लेकिन कॉल शॉर्टिंग का हिसाब से पुट शॉर्टिंग ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब मुझे इंडिकेट कर रहा है मार्केट नीचे ऊपर जाएगा, ऊपर जाने इसके बाद देखते हैं सॉरी, इसके बाद बैंक निफ्टी का देखते हैं, इसका नहीं हो रहा है, एनीवे
गूगल क्रोम मेरा देख रहा हूँ देख रहा हूँ देख रहा हूँ देख रहा हूँ देखता हूँ इसका आप लोग को प्रोबेबिलिटी दिखा देता हूँ। प्रोबेबिलिटी को दिखा हूँ यार, प्रोबेबिलिटी का दिखा देता हूँ। प्रोबेबिलिटी देखिए, इधर का करंट प्राइस बैठा है और कॉल इम्पलाइड बर्ड पुट इम्पलाइड बर्ड बैठा है और 7 डेज का हिसाब से कैलकुलेट किया है। 9500 में रेजिस्टेंस और 9000 में सपोर्ट, तो 9500 का प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई दिखा रहा है, ठीक है। और इधर 20267 इधर कॉल इम्पलाइड इसमें जो है 19000 में सपोर्ट और 21000 में रेजिस्टेंस, तो 21000 के जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा दिखा रहा है, मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही अप ट्रेंड में दिखा रहा है। इसका बैंक निफ्टी का प्रॉब्लम आ रहा है, में प्रॉब्लम आ रहा है, में प्रॉब्लम आ रहा है, में प्रॉब्लम आ रहा है। एनीवे, और आज जो चीज़ मैंने आप लोग को दिखाने का कोशिश करूँगा, लेकिन कैसे नेट पूरा प्रॉब्लम कर दिया। एनीवे, तो इसमें गान 360 एनालिसिस में अभी आप लोग देख सकता है, इधर 9390 का ऊपर जाएगा तो 9281 9294 में इसका रेजिस्टेंस बनेगा, उस 9388 मतलब 9388 मतलब 9390 चलता है क्या पाथ में चलता है क्या पाथ में चलता है 9764 रिट्रेस होगा तो इसी के साइड में रिट्रेस होगा, ठीक है। और उसके 9779 9979 9999 ऐसे करके ऊपर जाएगा, इधर 9000 10565 में इसका जो रजिस्ट्रेंस है तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और बैंक निफ्टी का भी ऐसा है कि 20950 उसके बाद इधर 22829 23000 ऐसे करके ये रिट्रेस होकर ऊपर जाएगा, और इधर 27721 में इसका तगड़ा रजिस्ट्रेंस है, और इधर 18533 इसका नीचे आने का प्रॉबिलिटी है। और शॉर्ट टर्म में देखिए, इधर इसका मैंने 9900 शॉर्ट टर्म में आप लोग को दिखा देता हूँ, इधर से शॉर्ट टर्म में मैंने कल भी दिखाया था उसका लेवल आप लोग देख लीजिए, और इधर मैंने डेली का जो डाटा बैठा है उसका भी 360 एनालिसिस आप लोग को दिखा देता हूँ। इधर बैंक निफ्टी नहीं आ रहा है, इसमें आप लोग को दिखा देता हूँ 360 का जो डाटा बैठा है उसका 360 एनालिसिस का हो सकता है वो आप लोग को दिखा देता हूँ। इसका जो 360 का एनालिसिस क्या बोल रहा है, ये 9287 में देखिए इसका क्लोजिंग दिया है, तो इसमें इसके बाद 9399 9400, ठीक है ऐसे ये फास्ट साइकिल में ऐसे करके इसका ऊपर जाने का प्रॉबिलिटी है। और नीचे इधर 9226 के नीचे इसका सेल का लेवल आएगा। मैं आप लोग बैंक निफ्टी भी ऐसे ही नोट कर सकता है, इंडेक्स का इंडेक्स फ्यूचर आप को कुछ भी चाहिए मेरे तो सभी ये मेंशन करना या दिखाना सब आप लोग देख सकता है इधर, तो बैंक निफ्टी का इंडेक्स और बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स भी देख सकता है सेम तरीक़े से। इधर सेकेंड साइकिल में इतना ये लेवल्स आएगा, इतना दूर तक ऊपर ऊपर का लेवल आ सकता है और इधर से नीचे का लेवल आ सकता है।